सिंहदेव चुनाव हार गए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है, 157 वोटों से टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए। महज 157 वोट कर रहे थे। अंबिकापुर सीट से चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो फिर आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य भी नहीं बचता। 157 वोटों से मात्र ये हार हुई है। बड़ी सीट अंबिकापुर की सीट, सभी की निगाहें थी, डेप्यूटी सीएम है और कहीं ना कहीं सीएम की रेस में भी लंबे वक्त से चल रहे थे और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर सीएम नहीं बना तो चुनाव लड़ने का मतलब क्या, पर यहां पर तो वो चुनाव ही हार गए महज 157 वोट से। अवंतिका लगातार रट से हमारे साथ जुड़ी हुई है, पल का अपडेट हमें दे रही है। अवंतिका, ओवर टू यू। रितु, हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भले ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता है जो लगातार चौंकाने का काम कर रही है। टीएस सिंहदेव का आपने जिक्र किया, लगातार उन पर हम नजरें बनाए हुए थे, किस प्रकार वो कहीं ना कहीं ट्रेल पर थे और 157 वोटों से महज हारना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि बहुत प्रमुख चेहरा माने जाते रहे। लगातार इस बात का जिक्र था कि टीएस सिंहदेव तो चलिए जीत जाएंगे, बहुत लोकप्रिय चेहरा है, बहुत सीधे साधे व्यक्ति है। उसके साथ मध्य प्रदेश के कुछ ओपी चेहरे जो आते हैं और चुनाव हारते हुए नजर आए हैं, कमल पटेल का नाम सामने आता है इसमें, हरदा से हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन चुनाव हार चुके हैं। तुलसीराम सिलावट दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। कुछ और महत्वपूर्ण नाम, गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष रहे, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, लाहौर में दम भर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव हार गए। छत्तीसगढ़ के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन तमाम वीआईपी सीटों पर हम नजरें बनाए हुए थे। चरणदास महंत का जिक्र है, वो चुनाव जरूर जीत चुके हैं, लेकिन शिव कुमार डहरिया जो लगातार भूपेश बघेल के साथ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको साथ खड़े नजर आएंगे, लगातार कांग्रेस को लेकर लगातार सक्रिय थे और अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी आश्वस्त थे, लेकिन इसके बाद आप ये देखिए कि किस प्रकार आंकड़े उलटफेर दिखाते हैं। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस इसे आप कहिए या भारतीय जनता पार्टी का मोदी मैजिक, अमित शाह का मैजिक आप कहिए, लगातार इसे आपको हम अपडेट कराएं। गुलाब कमरो वो भी चुनाव हार चुके हैं, ननकीराम कंवर चुनाव हार चुके हैं, ये वो प्रमुख चेहरे हैं जिन पर पार्टी की जिम्मेदारी होती है। जब वो अपनी सीट पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तब आप कैसे कांग्रेस पार्टी को लीड करवा सकते थे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल था। बड़ी बात ये भी है कि कैसे पार्टी ने चेहरों पर सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, अंबिकापुर बहुत बड़ी सीट, हॉट सीट, टीएस सिंहदेव का हार जाना बहुत बड़ी बात है, वो भी महज कुछ ही वोटों से, क्या